नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जमीन कब्जे के बारे में बताएंगे और इसे प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजेशन भी कहा जाता है। आज हम इसी से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। लिमिटेशन एक्ट 1963 कानून का अहम हिस्सा है जो प्रतिकूल कब्जे का ही विस्तार है। इस कानून में निजी संपत्ति के लिए 12 साल और सरकारी संपत्तियों के लिए 30 साल की अवधि होती है। इस दौरान आप संपत्ति का मालिकाना हक ले सकते हैं और किसी भी तरह की देरी भविष्य में परेशानियां पैदा कर सकती है। प्रतिकूल कब्जे के मामले में असली मालिक के पास प्रॉपर्टी टाइटल हो सकता है, लेकिन कानून के जरिए वह इस तरह दावा करने का अधिकार खो देता है। इस कानून को लागू करने और समय अवधि की गणना करने के लिए देखा जाता है कि प्रॉपर्टी मालिक के पास किस तारीख से है और इस अवधि के दौरान पोजेशन अटूट और बिना किसी रुकावट के होना चाहिए। दावेदार के पास संपत्ति का इकलौता अधिकार होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर कहा है कि वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संपत्ति पर अपना दावा कर सकता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। जमीन कब्जा और उससे जुड़े कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। अगर आपका जमीन कब्जे से या प्रतिकूल कब्जे से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01206127937। इसके अलावा आप 01206127938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता परमानंद पांडे जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। परमानंद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अवैध कब्जे की आखिर कानूनी परिभाषा क्या होती है? देखिए, अवैध कब्जे की कानूनी परिभाषा तो यही है कि एक व्यक्ति जिसका अधिकार है कानूनी रूप से, उस पर किसी दूसरे व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया है, एक अन्य व्यक्ति ने, तो ये अवैध कब्जा, इसको एडवर्स पोजेशन कहते हैं। ये प्रतिकूल कब्जा हुआ। जैसे संपत्ति ये मेरी है और किसी दूसरे व्यक्ति ने उस पर आकर कब्जा कर लिया है, तो वो अवैध कब्जा हुआ। अवैध कब्जे में मान लीजिए एक समय हुआ कि उस समय पर आप हमारे जमीन पर आए या मकान पर आ गए या किसी चीज पर हुए और लगातार उस पर हमने कोई देखभाल नहीं किया, ना उस पर हमने कभी आपसे खाली कराने के लिए कहा, तो इस स्थिति में यह हो जाएगा कि जो व्यक्ति उसको कब्जा जमाए हुए है उसका अधिकार तो नहीं है लेकिन वो अवैध कब्जा है। थोड़े दिनों बाद अगर आप अपने जमीन के प्रति, अपनी संपत्ति के प्रति लापरवाह बने रहे तो उसका अधिकार उस पर हो जाएगा। जैसा कि आपने शुरू में ही कहा अपने प्रस्तावना के दौरान ही कि 12 वर्ष के बाद अगर आप उसका कंटिन्यूअस माने लगातार उस पर कब्जा बना रहे तो वो व्यक्ति कह सकता है कि आपने 12 वर्ष तक इसकी पूछ नहीं की, इसके बारे में ध्यान नहीं दिया, इस नाते ये हमारी संपत्ति हो गई है। ये भारत के लिमिटेशन एक्ट के तहत उसके सेक्शन 65 सेक्शन 65 के तहत ये अधिकार उसको प्राप्त। जी जी, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि 12 साल के बाद जमीन कब्जाधारी की हो जाती है और इस बारे में जो लिमिटेशन एक्ट की धारा 65 है उसको थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे, वो क्या कहती है? लिमिटेशन एक्ट 65 की धारा ये कहती है कि मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को अपना मकान किराए पर दिया या हमने अपनी जमीन किसी को दिया और उस पर वह 12 साल तक नहीं लगातार उस पर हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसने हमको किराया देना भी बंद कर दिया, जमीन के बारे में जो हमको कुछ देना था वो भी नहीं दे रहा है, तो वह उसका कब्जा मान लिया जाएगा उस दिन से जिस दिन से हमने उसको दिया है। और लगातार वो 12 साल तक कंटिन्यूअस शब्द ये जरूर लगातार ये जरूरी है कि वह लगातार हो, बीच में कोई अवरोध न उत्पन्न हो, वो बीच में वो कटना नहीं चाहिए, उस दौरान अगर उस पर कब्जा हो जाता रहता है उसका बना रहता है तो उस व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यह मान के चला जाता है कानून के तहत कि आपको अपने अधिकारों के प्रति हमेशा सचेष्ट रहना चाहिए। अगर आप अपने अधिकार संपत्ति के प्रति पूरी तरह से सचेष्ट नहीं है तो कानून आपकी मदद के लिए कभी सामने नहीं आएगा। कानून व्यक्ति की मदद करता है
जो अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से सचेत होता है। इसीलिए जो जमीन का मालिक है, मकान का मालिक है, उसको यह ध्यान में रखना होगा कि मुझे उसकी पूरी तरह से उस पर नजर रखनी होगी, उस पर परवाह करनी पड़ेगी। अगर आप उसकी परवाह नहीं करते हैं तो ये मान के चला जाएगा कि आप उसके प्रति बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं और जो व्यक्ति कब्जा किए हुए है वो उसी की संपत्ति हो जाएगी। जी जी, और ऐसा आजकल बहुत देखने में आ रहा है। जी जी, क्योंकि कई लोग जाते हैं, जैसे विदेश चले गए, उनका विदेश जाने के बाद ये होता है कि अब वो ध्यान देख नहीं पाते। मैं तो ऐसे कई उदाहरण दिल्ली में देख चुका हूँ कई लोगों का, कि वो गए, उन्होंने एक केयर टेकर को बैठा दिया, उसकी सैलरी वो वहां से भेज रहे हैं, केयर टेकर के पास एक साल दो साल तक वो सैलरी नहीं आ रही है, केयर टेकर दूसरे आदमी को उसमें घुसा देता है और वो लोग जबरदस्ती उसको कब्जा करके उस पर करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। ये स्थिति आ गई है, ये दिल्ली में ही नहीं, हर जगह पर ऐसी स्थिति आ गई है कि वह अवैध कब्जा करने वाले लोग हर जगह रहते हैं और वो इसी का कानून का फायदा उठाते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि अगर किसी व्यक्ति को आपने दिया है तो आप उसके बारे में जांच पड़ताल लगातार करते रहें। जी बिल्कुल, समय समय पर उसके बारे में जानकारी लेते रहें। अगर कोई शख्स आपकी प्रॉपर्टी पर रह रहा है या आपने किराए पर दिया हुआ है तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा समय समय पर, नहीं तो वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली जाएगी अगर 12 साल तक आपने उसकी कोई सुध नहीं ली तो। परमानंद पांडे जी, स्वामित्व और कब्जे के बीच में अगर हम अंतर देखें तो वो क्या होता है कानूनी परिभाषा में? स्वामित्व और कब्जे के बीच का अंतर आप ये मान के चलिए कि आपने कोई मकान लिया है या कोई आपकी जमीन है और उसके पास आपने किसी से बैनामा लिया है, रजिस्ट्री कराई है या कुछ भी, आपका पैतृक संपत्ति है, आपका अधिकार उस पर बना हुआ है, वो तो आपका स्वामित्व। लेकिन कब्जे का मतलब यह है कि किसी को भी आपने दिया है और उस पर वो कब्जा करके बैठा हुआ है तो वह उसको कहते हैं कि कब्जा हुआ है। लेकिन कब्जा में भी देखिए, स्वामी भी कब्जा करके रखता है, जो स्वामी होता है संपत्ति का वो भी कब्जा करके बैठा रहता है, वो भी कब्जा करता है लेकिन उसका उस पर स्वामित्व है। और कब्जा माने जो अनऑथराइज्ड, जिसको कहते हैं इलीगल, ये अनऑथराइज्ड कब्जा है, वो कब्जा का मतलब ये है कि आपने किसी को दिया और उस पर कब्जा जमा के बैठ गया, वो उस पर स्वामित्व नहीं है उसका, तब भी वह कब्जा जमाए हुए है, ये उसका खास अंतर, दोनों में ये अंतर। जी जी, लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है ऐसे में और प्रतिकूल कब्जा कैसे लिमिटेशन एक्ट से जुड़ा हुआ है? लिमिटेशन एक्ट का तो यही शुरू में ही बताया हमने। जी जी, कि लिमिटेशन एक्ट ये इस चीज को क्लियर करता है सेक्शन 65 कि 12 साल तक आप अगर मान लीजिए हमारी संपत्ति पर, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अगर आप कब्जा करके बैठे हुए और आप ये प्रमाणित कर देते हैं कि हम 12 साल से ज्यादा समय तक यहाँ पर आए हैं, ऐसे तो कोई आदमी कभी कह देगा एक साल के भीतर आए और कह दे कि हम उस पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं? नहीं, आपने अपना टैक्स दिया है, टैक्स के नाम पर आपने रख दिया है, या लेवी दिया है आपने उस पर दे दिया है। परमानंद जी, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, माफी के साथ। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक रांची से जुड़ गए हैं। अशोक, अपना सवाल पूछ सकते हैं, आप क्या जानना चाहेंगे? लग रहा है संपर्क अभी उनसे टूट गया, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं परमानंद जी। मान लीजिए वो ऐसा तो कोई आदमी कह दे कि मैं 12 साल से हूँ, ये तो कोर्ट नहीं मान लेगा इस चीज को, या कोई भी नहीं मान सकता है। तो उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि जैसे आप बिजली के बिल दे रहे हैं या आप कोई टैक्स पे कर रहे हैं, तो मालिक ना टैक्स, स्वामी ना टैक्स पे करके, उस पर टैक्स ना दे करके, अगर उस पर कब्जे वाला व्यक्ति उसको टैक्स देता है, कर देता है, बिजली का बिल देता है या कोई ऐसी चीज साबित कर देता है जिससे कि उसका कब्जा बना हुआ है, तभी वो माना जाएगा 12 साल के लिए मानी जाए। जी जी, और नहीं तो नहीं माना जाएगा उस चीज। जी, ये स्थिति है, ये लिमिटेशन एक्ट इस चीज को करता है और लिमिटेशन एक्ट के साथ बहुत क्लियर है कि आपका लगातार कब्जा बना रहना चाहिए। बीच में अगर मान लीजिए 2 साल के लिए, 4 साल के लिए आवट गए, फिर कोई दूसरा किराएदार उसमें आ गया तो आपका कोई अधिकार उस पर नहीं रह जाएगा, या कोई दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा कर लिया है तो उसका आपका अधिकार नहीं रह जाएगा। जी जी, तो अगर आपकी कोई संपत्ति है अवैध कब्जे से, कैसे उसको बचाया जा सकता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? अवैध कब्जे से संपत्ति को बचाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज तो यही है कि
आप उसकी पुलिस में कंप्लेंट कराएं, पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस मान लीजिए अगर शिकायत आपकी दर्ज करने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो आप न्यायालय की शरण में जाएं। लेकिन इसमें दो एक चीजें ध्यान में रखिए, आपका अपना डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके अपने कागजात होने। परमानंद जी एक कॉलर जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, जय जय जुड़ गए हमारे साथ वाराणसी से। जय अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते मैम, मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी कहिए, अपनी बात रखिए, क्या जानना चाहेंगे? मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारे घर के मेरा घर भगवानपुर बेची के बगल रहता है, रहते हैं हमें। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं, कहिए। आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिए, फिर हमसे बात करिए। आप ही का टीवी देख रहा हूँ, आप ही का आवाज तो, आप बंद कर दीजिए अपने टीवी की, फिर बात करिए। बंद कर दिया, बंद। ठीक है ठीक है, अब अपने सवाल पूछिए। अब मैम ये कह रहे थे कि हमारे घर के बगल में दो बुजुर्ग पति पत्नी रहते हैं, उम्र हो गया है और उनके पास एक छोटी जमीन आबादी की है और उनका देखभाल मैं कर रहा हूँ, खाना पीना दवाई वगैरह सारा सिस्टम मैं देख रहा हूँ उनका। तो उनके परिवार वाले उनसे झगड़ा वगैरह करते हैं, उनको मानते उनसे नहीं है, तो उन्होंने अपनी जमीन मुझे नोटरी रजिस्ट्री कर दिया है। अब वो आबादी की जमीन है, तो क्या मैं उसको मैं मालिकाना हक जता सकता हूँ उससे कि नहीं? परमानंद जी क्या आप इनको सलाह देंगे? मेरा सलाह अजय जी ये है कि आप उस पर उनसे विरासत लिखवा लीजिए, वो विल लिखवा लीजिए। विल लिखने का अधिकार परिवार के लोगों को नहीं और किसी को भी है, जो व्यक्ति उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहा है उस व्यक्ति के नाम को विल लिखने का अधिकार है। दोनों बुजुर्ग हैं, दोनों दंपति बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, तो और आप उनकी सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके प्रति उनके प्रति सदस्यता होगी और वह आपको विल लिखेंगे, विरासत लिखेंगे और उस विरासत को आप नोटराइज करा लीजिए, नोटराइज नहीं, आप उसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, निश्चित तौर पर आप उस संपत्ति के मालिक हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है, उम्मीद है जय जी आपको अपना जवाब मिल गया होगा और इससे आपको जरूर फायदा पहुंचेगा। लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं अवैध कब्जे को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। हमारे अधिवक्ता परमानंद पांडे जी बने हुए हैं लगातार। परमानंद जी अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रतिकूल कब्जे के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबसे अहम होते हैं, जरूरी होते हैं, जिनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है? प्रतिकूल कब्जे के लिए सबसे जरूरी तो यह है कि आप ये साबित कर सकें कि हम इस पर कब्जा बनाए हुए हैं, हमारा है अधिकार इस पर। मैंने जैसे शुरू में अभी पहले ही कहा था कि अगर मान लीजिए कहीं आप किरायेदार हैं तो आप उसका किराया देते हैं और हर महीने उसका रसीद लेते रहे हैं, तो ये तो आपका ये हो गया कि आप उस पर वैध रूप से हैं। लेकिन अगर लेते रहे तो और मान लीजिए आप देते नहीं, किराया नहीं देते हैं, तो ये तो आप उससे अवैध कब्जे के हैं। लेकिन आपको साबित कैसे करेंगे? साबित करने के लिए आपको देखना दिखाना पड़ेगा कि आप जो टैक्स है वो टैक्स आप भरते रहते हैं, म्युनिसिपलिटी को टैक्स देते हैं या और कहीं भी देते हैं। इस चीज को साबित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कि आप उसके लिए पूरी तरह से दे रहे हैं, आप कर दे रहे हैं, कोई भी चीज शुल्क दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, अपने नाम से आप करा लिए हैं, तो ये आपके डॉक्यूमेंट प्रूफ करने के लिए हो जाते हैं कि हमने आज इसको पूरा किया, तब आपके अवैध कब्जे को माना जाएगा। अन्यथा मान लीजिए आप किराएदार हैं, आप लीज पर वहां पर हैं, लीज पर रह रहे हैं, तो आप मकान मालिक को किराया देते जा रहे हैं, तो ये अवैध कब्जा नहीं हुआ, ये तो आपका बना हुआ कब्जा, इसको तो आपको अधिकार मिला हुआ है। लेकिन अनाधिकारिक रूप से आपको अधिकार नहीं है और फिर भी आप बने हुए हैं, तो ही यह आपका अवैध कब्जा है। जैसा कि ये मालूम है कि बहुत सारे लोग मान लीजिए कहीं से आए और कहीं पर रह गए, वो उनका देखभाल उस पर करना दुश्वार हो जाता है, उसको वो नहीं कर पाते हैं, लगातार वो अपनी संपत्ति की देखभाल नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में अवैध कब्जे वालों के लिए एक तरह से उनके लिए स्वर्णिम ऑफर मिल जाता है और वो जाते हैं और कब्जा करते हैं और किसी तरह से इधर उधर ले दे करके ये साबित कर देते हैं कि ये जो ओरिजिनल जो मूल रूप से जो इसका स्वामी है वो इसमें नहीं है और हम इस पर कब्जा किए हुए हैं, हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आई है। परमानंद जी एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष पंचोली मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। मनीष जी अपना सवाल पूछ सकते हैं। मनीष जी पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। जी मनीष जी आप सुन पा रहे हैं? जी
मैं ये पूछना चाह रहा था जी कहिए कि अभी मैम जैसे मैं जहाँ रह रहा हूँ वो मुझे पंचायत की ओर से एक भवन भूमि दोनों मिला है और काफी उसमें मतलब हम लोग 22-22 साल से रह रहे हैं और ये 8 वर्षों से नगर परिषद बना है जी, तो अभी जैसे उन्होंने अब किराया नामा कर दिया तो अब अभी हमें अब उसको अपनी निजी संपत्ति बनाना हो तो कैसे बनाए मैम? क्या जवाब देना चाहेंगे परमानंद जी? पंचोली जी, आपको वह जमीन किराए पर मिली है या मकान मिला है, कुछ भी मिला है, वो किराए पर मिला है, वो उसके आप स्वामी नहीं बनाए गए, वो म्युनिसिपैलिटी है। तो अगर म्युनिसिपैलिटी में वो प्रस्ताव पारित करके ये कहा जाता है कि जो लोग उस पर कब्जा किए हुए हैं उनको स्वामित्व दे दिया जाएगा, ऐसी परिस्थिति में आपको उस पर अधिकार मिलेगा, अन्यथा आपका अधिकार उस पर नहीं रहेगा, आप केवल उसके उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता का अधिकार केवल आपको किराए देने के लिए मिला हुआ है म्युनिसिपैलिटी के बाद, आपका वह स्वामित्व उस पर नहीं मिला है। स्वामित्व मिलने के लिए जब उस म्युनिसिपैलिटी से आपका कोई प्रस्ताव पारित होता है और उस प्रस्ताव पारित करने के बाद अधिकारी लोग आ करके आपके नाम उस पट्टे को या किराए को किराएदारी को समाप्त करके ये बताते हैं कि इनको स्वामित्व का अधिकार मिलता है, तभी आप उसके हकदार हो पाएंगे, अन्यथा उसके हकदार नहीं बन पाएंगे। जी जी, चलिए उम्मीद है मनीष जी को जवाब मिल गया होगा। और इसी दौरान एक और कॉलर हमारे साथ बरखवा सिंह जुड़ चुके हैं हरदोई से। बरखवा जी अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मैडम जी, मैं 4 भाई हूँ, मेरे चाचा उनसे कोई नहीं था। कहिए, पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए फिर अपना सवाल पूछिए। ओके, बंद कर दिया जी। आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। मैडम जी, मेरे चाचा जी थे उनके कोई वारिस नहीं था, तो चाचा जी जो इकरारनामा होता है वो मेरे नाम करके गए थे, मैंने उनको पैसा दिया था। तो अभी मैं दमन में अपने बाल बच्चे लेके दमन में कमा खा रहा हूँ। मेरे चाचा जी 1 साल बाद एक्सपायर हो गए जी जी। तो वो जमीन में अभी मेरे को सुनने को आता कि मेरे 4 भाई है, चारों भाई के नाम हो गया, एक भाई ने बेच भी लिया जी जी। तो मैडम मैंने पैसा मैंने लगाया, दस्तावेज मेरे पास रखा, तो ऐसे कैसे कानून में बिक जाएगा? जी जी, परमानंद जी क्या सलाह देना चाहेंगे इन्हें? देखिए बरखवा जी, ये आपका मामला अब डिस्प्यूट का हो गया, अब इस पर विवाद आ गया। विवाद का ये है कि अब आपको ये साबित करना होगा कि मैंने ही पूरा पैसा लगाया है और मेरे नाम से मेरे चाचा जी ने ये संपत्ति को मुझे वारिस बनाया था। ये बात को आपको कोर्ट में न्यायालय के समक्ष इसको प्रमाणित करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको मिलेगा। वरना एक कानून है जो सक्सेशन एक्ट कहते हैं, उस उत्तराधिकार कानून के तहत जो आपके चारों भाई हैं, उत्तराधिकार कानून के तहत उन चारों लोगों का हक बनेगा, वो बनेगा। लेकिन अगर आप ये साबित कर देते हैं कि आपके नाम से ही उन्होंने वसीयत लिखी है और आपने ही उनकी देखभाल की है, अगर आप न्यायालय में इस बात को साबित कर देते हैं तो निश्चित रूप से वो लोग वहां से हट जाएंगे, उनको खाली करना पड़ेगा और आपको मिलेगा। जब तक आप इस चीज को सिद्ध नहीं कर पाते हैं तब तक उत्तराधिकार कानून के तहत उन सारे लोगों को ही ये संपत्ति मिलेगी। चलिए ठीक है बरखवा जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। फिलहाल हम भी आगे बढ़ते हैं परमानंद जी की। कहा जाता है कि आपको किसी भी व्यक्ति को अपने घर पर लंबे समय तक कब्जा नहीं रखने देना चाहिए। आपको अवैध रूप से कब्जे की हुई संपत्ति से बचने के लिए उसके केयर टेकर को बदलते रहना चाहिए। कितना सही है ये, इस बारे में जानना चाहेंगे आपसे। ये बात आपकी 100% सही है। कितना नहीं, 100%। इसमें आप 1.1% की भी गुंजाइश नहीं है कि आप इस पर कोई संदेह व्यक्त करें। मैंने आपको एक कहानी बताया कि यहाँ मेरी जानकारी में एक व्यक्ति करोड़ों रुपए की संपत्ति के लिए एक केयरटेकर रखा गया और केयरटेकर को वह लोग रहते थे विदेश में, वहां से वो पैसा भेजते थे, आते नहीं थे। उन्होंने केयरटेकर को बहुत दिनों तक वहीं पर बना के रखा और उस केयरटेकर ने कहा कि इस संपत्ति का मालिक मैं हूं, क्योंकि मैं ही जाकर के टैक्स कराता हूं, भरता हूं और वो उस पर अपना नाम रखता है। तो ये बात आपकी 100% सही है कि आपको केयरटेकर को हमेशा बदलते रहना चाहिए।
जब आप नहीं बदलेंगे तो वही केयर टेकर आप क्या जो उपेक्षा का भाव है उसका फायदा उठाते हुए वो अपने नाम से करा सकता है या किसी दूसरे आदमी को उसमें बैठा सकता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि आप उसकी लगातार देखभाल करते रहें, और सबसे जरूरी चीज जो अभी आपने कहा कि केयर टेकर को समय समय पर बदलते रहा करिए। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है ये, केयर टेकर को समय समय पर बदलना चाहिए। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आपकी कहीं प्रॉपर्टी है और कोई अगर उस पे किराए में भी रह रहा है, कोई केयर टेकर है, तो आपको उसका ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा हो सकता है, इसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया परमानंद पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।